बार तो मैं खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ ना। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, कहीं और जाकर किसी का दरवाजा खटखटाओ, हमें माफ करो। महावीर को साहूकार के घर से भी निराश होकर ही लौटना पड़ा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम करे जो बिना पैसों के शुरू किया जा सकता है। वो अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया। वो बार बार सोच रहा था कि अगर अभी कोई मुझे पैसे देकर भी पानी पीने के लिए दे दे तो मैं खरीद लूंगा। घर आकर महावीर के दिमाग में ये बात बैठ गई और उसने निश्चय कर लिया कि वो पानी बेचेगा, और अगले दिन से उसने पानी बेचना शुरू किया। पानी ले लो, पानी पानी ले लो, ताजा ताजा पानी। अरे फालतू भाई, पागल तो नहीं हो गया जो पानी बेचने चला? भला पानी भी कोई खरीदने की चीज है क्या? अरे लगता है कोई धंधा नहीं मिलने से फालतू भाई सच में ही पागल हो गया। पानी ले लो, पानी ताजा ताजा मीठा पानी। तभी कुछ यात्री वहां से जा रहे थे और दोपहर की धूप के कारण उन्हें भी प्यास लगी थी। वो महावीर के पास आए। एक गिलास पानी कितने का दियो? 5 रुपए का। एक गिलास देना जरा। ये लीजिए। भैया एक गिलास हमें भी दे दो। हाँ जी लीजिए, बिल्कुल आप भी लीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। जी धन्यवाद। आज महावीर ने दिन भर में 50 रुपए का पानी बेच लिया था। अब वो दुकान पर गया और आधा लीटर की कुछ बोतलें खरीद लाया और कल से बोतलों में पानी भरकर बेचने लगा। पानी ले लो, पानी ताजा ताजा पानी। पानी ले लो, पानी ताजा ताजा पानी। आज भी कई यात्रियों ने महावीर से पानी की बोतल खरीदी। महावीर ने पानी के इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने साथ 2 लोगों को और जोड़ लिया और सब मिलकर बोतलों में पानी भर भर कर बेचने लगे। जल्दी ही इनका पानी का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और अब जो भी यात्री वहां से गुजरता महावीर से पानी की बोतलें खरीदता। महावीर ने खुद के पैसों से एक गोदाम भी खरीद लिया और वहां पर खुद ही प्लास्टिक की बोतलें बनाने लगा और उनमें भर कर पानी बेचने लगा। उसने अपने पानी का नाम गंगा वाटर रखा। पानी को पैक करके बेचने का महावीर का आइडिया काम कर गया। वो पूरे शहर में गंगा वाटर वाला महावीर के नाम से फेमस हो गया। कल तक जिस महावीर के पास कोई भी काम नहीं था, आज उसी महावीर के पास कई सारे लोग नौकरी करते हैं। जो लोग महावीर को फालतू भाई कहते थे, महावीर ने उन्हें भी नौकरी पर रख लिया और धीरे धीरे महावीर का यह पैकिंग वाला पानी पूरे शहर में गंगा वाटर के नाम से फेमस हो गया।